दिलों पर मरहम रखते हुए हातिम ने जवानी के दौर में कदम रखा। आदाब मलका आलिया। आप आइए, तशरीफ रखिए। हम आपसे एक बात पूछें, आज आपकी आंखों में आंसू? हम भी कितनी बदनसीब माँ है बहन, अपने हातिम को जी भरकर देख भी नहीं पाते और वो हमारी नजरों से ओझल हो जाता है। न जाने अब की बार वो कहाँ होगा। मलिका आलिया, क्या बात है सलमा, इस कदर बदहवास क्यों हुई जा रही है? अभी अभी खबर मिली है कि शहजादा यमन शहर के सदर दरवाजे से दाखिल हो चुके हैं। क्या हमारा हाथी मार रहा है? जी, मलिका आलिया, शहजादे तशरीफ ला रहे हैं। या अल्लाह, आज एक मुद्दत के बाद हम अपने हातिम को देखेंगे। तुमने हमें बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है, हम तुम्हारा मुंह मोतियों से भर देंगे। देखा मलिका आलिया, आपकी ममता ने शहजादे को इतनी शिद्दत से याद किया कि वो खुद ब खुद चले आ रहे हैं। बहन, आज हम अपने हातिम पर अपनी ममता इस कदर लुटाएंगे, इस कदर लुटाएंगे कि वो फिर कभी हमारी आंखों से दूर होने की कोशिश नहीं करेंगे। मलिका आलिया, शहजादे साहब यही तशरीफ ला रहे हैं। या खुदा, हातिम के दीदार को तरसती ये निगाहें उसे देखकर कैसे ताब रख सकेंगी। अश्कों का दरिया तो अभी से लहरें लेने लगा है। मलिका आलिया, अपने दिल पर काबू रखिए, आपकी जो हालत है वो एक माँ की ही हो सकती है। आदाब चची जान। खुश रहो बेटे। आदाब अम्मी जान। या खुदा, आज कितने दिनों बाद ये लफ्ज हमारे कानों में गूंजा है। एक बार फिर से कह दो बेटे, ताकि इस गम नसीब माँ को चैन नसीब हो जाए। अम्मी जान, हातिम, हातिम, अम्मी जान, हातिम मेरे लाल, अम्मी जान, हातिम, हातिम, इतने बेदर्द क्यों हो जाते हो बेटे कि अपनी माँ का ख्याल भी नहीं रहता तुम्हें? खुदा गवाह है कि आपकी याद हमेशा हमारे साथ रहती है, फिर बिना बताए क्यों चले जाते हो? आपको कैसे बताएं अम्मी जान कि हम क्यों चले जाते हैं? अब हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, हमेशा हमारी नजरों के सामने रखेंगे।
मलका आलिया, आप एक खूबसूरत शहजादी देखकर शहजादे की शादी कर दीजिए, फिर तो ये यहीं के होकर रह जाएंगे। आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली बहन। हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस घर में चांद से दुल्हन आ जाए। ठीक है, आप हमारी अम्मी हुजूर हैं, आपके कदमों के नीचे जन्नत है। हम आपको नाराज करके वो जन्नत नहीं खो सकते। आपका हुक्म सर आंखों पर। मगर एक बात बताइए अम्मी हुजूर। पूछो बेटे। क्या आप चाहती हैं कि आपका बेटा इस आलीशान महल की रौनकों में खोकर खुदा के उन बंदों को भूल जाए जिन्हें उसकी जरूरत है? मगर एक माँ का भी तो कुछ हक होता है अपने बेटे पर। आप कहें तो आपके हुक्म पर हम अपने जिस्म का एक एक कतरा लहू बहा दें। आप कहें तो हम अपनी जान निकालकर आपके कदमों में डाल दें। आप कहें तो अपने दिल का खून करके आपकी हर तमन्ना हर आरजू पूरी कर दें। कैसी बातें करते हो बेटे? एक माँ अपने बेटे की तमन्नाओं का खून नहीं, उसकी खुशियां चाहती है। तो फिर हमें इन जंजीरों में मत बांधिए अम्मी हुजूर। हमारी खुशी शादी करके घर बसाने में नहीं, मजलूमों के आंसू पोंछने में है। हमारी खुशी उन जख्मी दिलों पे मरहम लगाने में है जो जमाने के सताए हुए हैं, दर्द से कराते उन लोगों की मदद करने में है जो जुल्म और नाइंसाफी के शिकार हैं। हम हर आंख में खुशी और होंठों पे मुस्कुराहट बिखेर देना चाहते हैं। खुदा के लिए हमें अपने मकसद को पाने से मत रोकिए अम्मी हुजूर, वरना हमारी जिंदगी बेमकसद होके रह जाएगी। बस बेटे बस, तुम पर अपनी ममता लुटाने की चाह में हम ये भूल गए थे कि तुम कोई मामूली इंसान नहीं, फरिश्ते हो फरिश्ते। और फरिश्ते अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए पैदा होते हैं। आज हमें तुम पर ही नहीं अपने आप पर भी फक्र हो रहा है कि हम तुम्हारी माँ हैं। जाओ बेटे, आज के बाद तुम्हारी ये माँ कभी तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। खुदा तुम्हें हर मंजिल पर कामयाबी अता करे। जाओ बेटे। अम्मी जान। हातिम, खुश रहो बेटे। खुदा हाफिज। खुदा तुम्हें हर मंजिल पर कामयाबी दे। खुश रहो बेटे, खुश रहो। दुख दर्द जमाने के सर अपने वो लेता है, जाने के हथेली पर हर इम्तिहा देता है। हर एक सितमगर को दुनिया से मिटा देगा, ईमान की कश्ती को साहिल से लगा देगा। हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई।